जैसे ही भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं पहुंच रहा हूँ, तो देवी देवता निश्चिंत हो गए, सब अपने अपने जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ चले, अपना काम बनवाया और चल दिए, चलो घर नहीं जाना, नीचे पृथ्वी पर जाने की तैयारी। इंद्रादि ने कहा मतलब, कहा राघव सरकार जाने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोगों का जाना जरूरी है या नहीं, उनसे पहले हमारा पहुंचना जरूरी है। सो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पहुंच गए जामवंत जी बन के, भोले बाबा पहुंच गए हनुमान जी महाराज बन के, रुद्र रूप तज ने बस शंकर भे हनुमान, हनुमान जी पहुंच, शंकर जी पहुंच गए हनुमान जी बन के, सूर्य नारायण पहुंच गए सुग्रीव बन के, इंद्र पहुंच गए बाली बन के, विश्वकर्मा इत्यादि जो है वो नल नील बन करके पृथ्वी पर पहुंच गए। सब सब अपने अपने पहुंच गए हैं और यहाँ भगवान के आने का समय निकट आ गया। और अब जब भगवान के आने का समय निकट आया है तो अब तक राजा दशरथ जी के मन में संतान को लेकर के कभी चिंता नहीं हुई, लेकिन जब राजा दशरथ उम्र के चौथे पन में पहुंच गए उस समय राजा दशरथ के मन में ये गिलानी हो रही है। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है वहां विशेष घटना घटित हुई है। और अब यहां तो विशेष नहीं परम सुंदर घटना घटित होने जा रही है। एक बार राजा दशरथ के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई, ग्लानि किस बात की कि जिस रघुवंश में रघु अज इक्ष्वाकु जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, क्या वो रघुवंश, क्या वह सूर्यवंश दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा, क्या मेरे बाद सूर्यवंश में मेरे पितरों को पूर्वजों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा, क्या मेरे रघुवंश और सूर्यवंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होगा। दशरथ जी के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई। और जब दशरथ जी के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई तो तीनों रानियों के साथ, दशरथ जी की तीन रानियां हैं कौशल्या केकई सुमित्रा, तीनों रानियों को लेकर के दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में जब कोई कष्ट आए और उस कष्ट का, उस समस्या का समाधान हमारे पास ना हो तो हमारे गुरुदेव की शरण में हमें चल देना चाहिए। दशरथ जी गुरुदेव की शरण में पहुंचे हैं और गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आंखों में आंसू भर के बोले कि भगवान क्या मैं पितृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्या हमारे सूर्य वंश में पूर्वजों को पानी देने वाला मेरे बाद कोई नहीं होगा। और जब इस तरह से राजा दशरथ दुखी हुए उस समय राजा दशरथ को दुखी देख करके गुरुदेव ने राजा दशरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा चिंता मत करो धरहु धीर हो यही सुत चारी, धीरज रखो धैर्य से काम लो, एक नहीं कितने पुत्र होंगे, चारी चार त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कैसे होंगे त्रिभुवन को जीतने वाले और भक्तों का भय हरने वाले चार पुत्र। राजा दशरथ खुश हो गए
वशिष्ठ जी ने कहा ऐसे नहीं होंगे, पर कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि को लाकर के पुत्र कामेष्ठि यज्ञ अयोध्या में कराना होगा। राजा दशरथ कहते महाराज तो मैं अब भी जाता हूँ, श्रृंगी ऋषि को रथ से लेके आता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा सावधान राजन, यदि चतुरंगणी सेना और रथ लेकर के श्रृंगी ऋषि के पास जाओगे तो खाली हाथ लौट के आओगे। एक ऋषि के पास जा रहे हो, अपना राजा पना लेकर के मत जाओ, भिखारी बन करके जाओ। जब खाली झोली लेकर के पहुंचोगे तो झोली भर करके लौटोगे। इसलिए रथ से नहीं। तब राजा दशरथ पैदल नंगे पैर श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए जाते हैं। राजा दशरथ के भाव श्रृंगी ऋषि ने देखे और कहा आप चलिए, मैं भी चलता हूँ अयोध्या में। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठि यज्ञ कराया। अब जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्ठि यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्ठि यज्ञ से श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और जब अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए तो श्रृंगी ऋषि ने वह प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया। बंटवारा बता दिया कि ऐसे ऐसे बांट दो, खीर है प्रसाद, प्रसाद का आधा भाग माँ कौशल्या को दिया गया कि आप इसको पाइए, मतलब खाइए। आधा भाग जो है, आधे के दो भाग हुए हैं। आधे का आधा भाग माँ केकई को दिया गया और आधे का जो आधा बचा है उसके भी दो भाग हुए हैं। एक कौशल्या को और एक केकई को दिया और कहा ये वाला भाग अपने हाथों से सुमित्रा को पवाइए। आधा भाग कौशल्या को, आधे का आधा केकई को और आधे के दो भाग माँ सुमित्रा को, दोनों रानियों ने अपने हाथों से पवाए हैं। प्रसाद पाकर के माताओं के गर्भ में प्रभु विराजमान हो गए। देखिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन एक आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, समझने की भाषा में कह दिया जाता है कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान प्रकट हुए, माँ के गर्भ में भगवान जब आए हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं जाते न ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जाते न ते हरि गर्भ रानियों को लगने लगा कि हम गर्भवती हो गई हैं। और जब से रानियों को ये लगा है हम गर्भवती हुए हैं, उस दिन से अयोध्या में जो आजू बाजू पर्वत हैं वो पर्वत मणि माणिक्य से ढक गए। सरयू जी में जल के स्थान पर अमृत बहने लगा। बिना ऋतु के वृक्षों में फल आने लगे, पत्ते आने लगे, पुष्प आने लगे। और समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। और गोस्वामी जी लिखते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर सुजुत राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह बार तिथि सब भगवान के अनुकूल हुए, तब अयोध्या में महारानी कौशल्या के यहाँ, माँ कौशल्या के कक्ष में प्रभु श्री राम आने वाले हैं।
और जैसे ही प्रभु के आने का समय देखा भगवान शंकर ने, तो सब चल दिए कहां आकाश मार्ग में आ आकर के खड़े हो गए। और बड़ा सुंदर भाव आता है, सब देव चले महा देव चले महा देव चले ले ले फूलन की हार रे आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महा देव चले महा देव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया आओ राघव सांवरिया। सब आकाश मार्ग में हाथ में फूल ले लेकर के खड़े हो गए। सब भगवान शंकर खड़े हैं, डमरू बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, सनकादिक ऋषि खड़े हैं, इंद्र वरुण कुबेर यक्ष गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं, शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, घड़ियाल बज रहे हैं, ताली बजा बजा करके नारद वीणा बजा बजा के नाच रहे हैं। जय हो जय हो जय जय घोष किया जा रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही है और नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन के 12 बजे मंगलवार में भगवान श्री राम माँ कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए चारों तरफ प्रकाश छा गया। महारानी कौशल्या ने देखा ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर देखती रह गई, देखती ये क्या है ये क्या है। भगवान ने कहा माँ वरदान दिया था पुत्र बन के आऊंगा आ गया। माँ कौशल्या ने कहा भगवान आपका ये पुत्र रूप है, प्रभु ये रूप देख करके तो ऐसा लग रहा आप बेटा नहीं बाप बन के आए हो, मुझे डर लगने लगा है ऐसा रूप देख के, प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा छोटा ठीक है छोटे हो गए, कितना छोटा और छोटा कितना छोटा और छोटा कितना छोटा और छोटा और छोटा 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 कहते 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 राम जी कहते मैया एक बार में बता दो कितना छोटा। कौशल्या मैया कहती है कि प्रभु इतने छोटे हो जाइए कि आप मेरी गोद में समा जाए। माँ तत्व वह तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना लेती है। राम जी माँ की गोद में लेट गए। माँ अब ठीक है, कौशल्या जी ने कहा अभी भी ठीक नहीं है। क्यों? कहा बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही क्या बोलने लगते हैं, सरकार बोलते नहीं रोते हैं रो। राम जी ने कहा हमसे रोते होते नहीं बनता, हम क्यों रोए। मैया ने कहा मैं जानती हूँ आपसे रोते नहीं बनता, लेकिन गौओं को ब्राह्मणों को साधुओं को संतों को देख करके रोइए, उनके कष्टों को देख करके रोइए पर रोइए। और जब कहा है तब राम जी ने बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। सुनी सिसुरुदन परम प्रियवान सम भ्रम चली आई सब राम। जोर जोर से राम जी ने रोना शुरू किया, रुदन की आवाज दासियों के कान में सुनाई दी। और जैसे ही दासियों ने सुना कि लाला आ गया, तुरंत दशरथ जी को कहा राजन बधाई हो, राजन बधाई हो, बधाई हो महाराज बधाई हो। राजा दशरथ जी ने कहा क्या किस चीज की बधाई। अरे महारानी कौशल्या ने एक लाला को जन्म
दे दिया महाराज। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आप सभी को मेरी ओर से राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी आ गए। अब जैसे ही राम जी आए, केकई मैया ने एक पुत्र को जन्म दे दिया, सुमित्रा मैया ने दो पुत्रों को जन्म दे दिया। अरे बधाई हो महाराज, एक साथ चार चार पुत्रों ने जन्म ले लिया है। राजा दशरथ के तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। राजा दशरथ इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि नाचने लगे मगन होकर के। चार चार पुत्र, चार चार पुत्र मेरे यहाँ आए हैं। और राजा दशरथ प्रसन्न हो गए हैं, नाचने लगे हैं।